24 में। मैं आपके साथ नौशीन परवीन, पेश है आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भगत सिंह नगर निवासी रिटायर्ड लेखपाल व भाजपा नगर उपाध्यक्ष के पद से पार्टी द्वारा बर्खास्त किया गया। राम बिहारी राठौर द्वारा कई नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किए जाने के मामले का खुलासा होने के बाद से उसे कड़ी सजा देने की मांग चारों ओर से उठ रही है। संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर के समक्ष एकत्रित होकर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भेंट किया। डीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उक्त घृणित कांड की पार्टी घोर निंदा करती है। ज्ञापन में कहा गया कि पूरे कांड की गहन जांच कराई जाए, जिससे उक्त कांड में संलिप्त लोगों के चेहरे उजागर हो सके और सत्ता के दम पर पुनः ऐसा घृणित कार्य फिर कभी कोई ना कर सके। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि आरोपी राम बिहारी के खिलाफ रासुका की कार्यवाही अमल में लाई जाए, ताकि वह आसानी से जमानत पर बाहर आकर सत्ता की दम पर जांच प्रभावित ना कर सके। कांग्रेस नेताओं ने राम बिहारी को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पार्टी के जिला सचिव राघवेंद्र तिवारी, रविंद्र अताउद्दीन, नलकिशोर जाटव, सभासद सुशील रजक, श्री नारायण दीक्षित, सभासद शकील अहमद, सुनील कुमार, प्रेम नारायण, सुधीर रावत, गौरव तिवारी आदि शामिल रहे। ये ज्ञापन देने आए हैं, क्या है आपकी मांगे, क्या कहेंगे इस ज्ञापन पर? हम सभी समस्त कांग्रेस जनों ने आज इस बात को मांग रखी है आदरणीय डीएम साहब के सानिध्य में, जो अभी विगत कुछ दिनों पहले राम बिहारी राठौर जो रिटायर्ड लेखपाल रहा है, जिसका इस कृत्य जो कुकृत्य किया है उसने, उसको हम लोग मांग करते हैं कि उसको रासुका के तहत उसको फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि जिस प्रकार इसने जो कृत्य किया है वो पूरे समाज को शर्मसार करने वाला कृत्य है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने इसको शरण दी है और आज भी उसकी शरण में जो दोषी और भी जो दोषी हैं उन लोगों को उजागर नहीं किया जा रहा है। हम सबकी मांग है कांग्रेसजनों की कि वो जो दोषी इसके साथ जिन्होंने उसका साथ दिया है और आज भी जो साथ दे रहे हैं उनके भी नाम उजागर किए जाएं। इसमें सर आज किस पार्टी से हैं आप, क्या नाम है आपका, कहाँ दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से हैं और मौजूदा मैं इस समय जिला सचिव पद पर मैं हूँ और हमारे सभी समस्त कांग्रेसजनों का एक साथ ये ज्ञापन देने का जो हम लोगों का कार्य रहा है, अगर इस तरीके की जो घटना हुई है उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी आगे आने वाले समय में एक ऐसा आंदोलन छेड़ेगी कि जिसको शासन प्रशासन को सामना करना पड़ेगा।